हुजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। अरदास की गुरु मर्यादा बनाए रखने की मांग लेकर धरना, तखत साहब के सामने बैठे दो सदस्यों ने धरना शुरू किया। श्री हजूर साहब स्थित तखत सचखंड बोर्ड कानून की कलम 11 में हुए सरकारी संशोधन को रद्द करने का विषय अब अलग मोड़ ले रहा है। आदरणीय पंच प्यारे साहिबान द्वारा तारीख 21 जनवरी 2019 को तखत साहब पर कलम 11 निराकरण संबंध में की गई अरदास की संपूर्णता और गुरु मर्यादा बनाए रखने की मांग को लेकर गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्टेड दो सदस्यों ने बुधवार 12 जून 2019 को तखत साहब के ठीक सामने धरना आंदोलन शुरू किया। यह धरना आंदोलन गुरमीत सिंह महाजन और मनप्रीत सिंह कुंजीवाले, इन दोनों बोर्ड सदस्यों के नेतृत्व में शुरू हुआ। धरना आंदोलन में पूर्व सदस्य सुरेंद्र सिंह जी मेंबर, जसपाल सिंह लांगरी, गुरमीत सिंह बेदी, महल सिंह लांगरी, तेजपाल सिंह खेड़ और नौजवान शामिल हुए। तखत साहब पर अरदास कर धरना शुरू किया गया, पश्चात मूल मंत्र का जाप भी शुरू किया गया। यह धरना उस समय शुरू हुआ जब 12 जून 2019 के दोपहर 3:30 बजे गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड संस्था के नए सरकार नियुक्त अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मिनास की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आमंत्रित पहली मीटिंग होनी है। धरनाधारियों ने SGPC की दोहरी भूमिका पर भी प्रश्न उठाया। वही वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का धरना कार्यक्रम 21 जनवरी को तखत साहब में पंच प्यारों के गुरमते अनुसार अरदास हुई थी, जिसमें तो सरकार ने 11 कलम का अमेंडमेंट किया था, यानी 11 कलम यानी जो सरकारी प्रधान डायरेक्ट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सरकार नियुक्त कर रही थी, उसका विरोध करते हुए यहाँ से संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा प्रेम सिंह जी की अगुवाई में एक भव्य मोर्चा निकला और वो मोर्चा कलेक्टर साहब को मिलकर एक निवेदन किया जो CM देवेंद्र जी फडणवीस को दिया गया कि जो 11 कलम का अमेंडमेंट किया गया है 2015 में उसे जल्द से जल्द तुरंत रद्द किया जाए और हमें हमारा प्रेसिडेंट प्रधान चुनने का अधिकार लोकशाही तरीके से दिया जाए। लेकिन उस बात को भी होके आज 4 महीने हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भूपिंदर सिंह जी मिनास को डायरेक्ट प्रेसिडेंट बोल के फिर से गजट किया और उनको प्रधान नियुक्त करके यहाँ भेजा और साथ में 17 के जगह 9 का आधा बोर्ड बना के उन्होंने यहाँ भेजा, तो उसके निषेध में 11 कलम जल्द से जल्द रद्द होना और सरकार का हस्तक्षेप जो हमारे बोर्ड में हो रहा है वो तुरंत रुकना, इस संदर्भ में आज हम यहाँ पर मोर्चा लगा है और ये मुख्य मोर्चा हमारा जारी रहेगा। शुरुआत हम पहले मुख्य मोर्चे से कर रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा, उसकी रूपरेखा मोर्चे की सारी टीम मिल के फिर जल्द से जल्द तय करके उस हिसाब से अगला मोर्चा तय करेंगे। वाहिगुरु जी, आज गुरुद्वारा बोर्ड की मीटिंग है, उसमें क्या स्टैंड है? आज गुरुद्वारा बोर्ड की मीटिंग 3:30 बजे रखी हुई है जो कि कलेक्टर ने बुलाई है। मैं और मेरे साथीदार मनप्रीत सिंह जी अभी हम यहाँ हैं और हमारी जो टीम है उनसे डिस्कस करके आगे जो निर्णय लेना है वो तय करके हम आज मीटिंग में वो डिस्कस करेंगे, निर्णय लेंगे। ये जो प्रशासक कमेटी, ये एक हिसाब से कमेटी ही बनी है, यानी जो 9 लोग है, बोर्ड तो हमारा 17 का है लेकिन प्रशासन हमारे संगत एक खेल खेल रहा है, उन्होंने ये 9 लोगों की एक कमेटी ही बनाई है और प्रशासक कमेटी के वैसा ये काम करेगी और उसका निषेध आज हम वहाँ पर बोर्ड मीटिंग में करेंगे आज जाके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंच प्यारे साहिबान की तरफ से 21 तारीख को एक गुरमत्ता निकला और तखत साहब पे अरदास होकर मोर्चा निकाला गया 11 कलम रद्द के लिए, जिसमें संत महापुरुष, हजूरी साध संगत, देश विजत की संगत ने भी भाग लिया। फिर उसके बाद हमने पंच प्यारे साहिबान को एक फिर मेजरनामा दिया 8/3 के बाद, जब प्रधान बन के आए मिनास सरकार की तरफ से, फिर मिनास को तनख्वाह करो बोल के, तभी पंच प्यारे साहिबान ने 7 जन की कमेटी बना दी। 7 जन की कमेटी की फिर पंच प्यारे साहिबान ने कन्वीनर बना दिया। कन्वीनर बनाने के बाद जब मीटिंग हुई 7 मेंबरों की 11 कलम के विषय में, तो मिनास साहब का जो रवैया था वो एक तानाशाह की तरह था, वो किसी की सुनने के इसमें नहीं थे। वो जो सीट का एक मोह लालच जो थी कि वो मिनास साहब के मत्थे पर चढ़ गया अभी, तो हमने उनको बोले कि भाई जब तक 11 कलम रद्द नहीं होंगी तब तक हमने बोर्ड मीटिंग नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मिनास साहब का बोलना ऐसा है कि नहीं, बोर्ड मीटिंग तो चलते रहेंगी और 11 कलम की कार्रवाई रद्द करने के लिए वो भी कार्रवाई चलते रहेंगी, तो इसलिए सरासर गलत है। एक किस्म से इनको बोर्ड चलाना है और जो गुरु घर की जो FDI बनने वाले हैं ये सब तोड़ के, तोड़ मरोड़ के इनको पूरा सब इनके हिसाब से कारोबार करना है इनको,
तो इसके वजह से आज हम पंच प्यारे साहिबान का कल भी जाके आए कि मीनास को तनख्वाह किया जाए, तखत साहब की मान मर्यादा के लिए आने वाला जो SGPC जो लोग है, SGPC के जो लोग है, ये दसम विरोधी है। पहले चार तखत साहब पर जो हजूर साहब की जो पटना साहब की मर्यादा यही चलती थी, इन्होंने कट छट करके पूरी मर्यादा कम कर दी, वहाँ पे दसम ग्रंथ प्रकाश उठा दिया। तो इनका जो प्लान है, पटना साहब इन्होंने कब्जा कर लिया है, अब ये SGPC के जो लोग है ये हजूर साहब की तरफ मोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो SGPC के लोग यहाँ की मान मर्यादा पर आ सकते। जो हमने पंच प्यारे साहबान को कल जो मेजरनामा दिया है उसमें हमने पंच प्यारे साहबान को लिख कर दिया है कि अब इसके बाद जो भी होगा वो आपके कारण ही होगा। आप अगर स्टैंड लेते हैं और मीनास को तनख्वाह करते हैं तो गुरु महाराज की कृपा से सब चढ़ती कला खुशहाली होंगी, हजूरी प्रधान बनेगा, 11 कलम रद्द होंगी। अगर आपकी जो भूमिका है वो दोहरी है, आप इधर हमें बोल रहे हैं कि उसके साथ काम करो और इधर अरदास की हुई है, आप गुरु साहब के सामने अरदास करके मुकरना तो नहीं चाहिए हमें? हमें गुरसिख होने के लाते हम लड़ रहे हैं और आज हम देवड़ी में मोर्चा लगाया हुआ है। गुरु साहब की कृपा से गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ हाजरा हजूर है, जहरा जहूर है, महाराज मोर्चे फतेह करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अलग मोड़ ले रहा है आदरणीय पंच प्यारे साहिबान द्वारा तारीख 21 जनवरी 2019 को तखत साहब पर कलम 11 निराकरण संबंध में की गई अरदास की संपूर्णता और गुरु मर्यादा बनाए रखने की मांग को लेकर गुरुद्वारा बोर्ड के इलेक्टेड दो सदस्यों ने बुधवार 12 जून 2019 को तखत साहब के ठीक सामने धरना आंदोलन शुरू किया। धरना आंदोलन में पूर्व सदस्य सुरेंद्र सिंह जी, मेंबर जसपाल सिंह लांगरी, गुरमीत सिंह बेदी, महल सिंह लांगरी, तेजपाल सिंह खेड़ और नौजवान शामिल हुए। तखत साहब पर अरदास कर धरना शुरू किया गया, पश्चात मूल मंत्र का जाप भी शुरू किया गया। यह धरना उस समय शुरू हुआ जब 12 जून 2019 के दोपहर 3:30 बजे गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड संस्था के नए सरकार नियुक्त अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मीनास की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आमंत्रित पहली मीटिंग होनी है। धरनाधारियों ने SGPC की दोहरी भूमिका पर भी प्रश्न उठाया, वहीं पंच प्यारे साहिबान को अरदास की गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए भी प्रार्थना और निवेदन किए गए। देखना है कि कलम 11 संशोधन के लिए शुरू किया गया ये आंदोलन आगे क्या करवट लेता है। हजूर साहब के लिए मैं रविंद्र सिंह मोदी, नांदेड़।